पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना में पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। ये वही पप्पू यादव हैं जो कोरोना में लोगों के मददगार साबित हो रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन उल्लंघन के नाम पर पप्पू यादव को आज सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लंबी चौड़ी भीड़ लगाने के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है, जबकि आपको बता दें कि बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके जो समर्थक हैं उनमें गुस्सा है, और इसी के चलते अब एक तरीके से तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि उनका प्रदर्शन हो रहा है। ये वही पप्पू यादव हैं जिन्हें बिहार में कोरोना काल में मददगार माना जाता है, लेकिन आज सुबह सुबह सुशासन की पुलिस ने इनकी पुरानी फाइल खंगाल ली और कई थानों की पुलिस पप्पू यादव के घर जा धमकी। एक नहीं, दो नहीं, कई कई थाने, कई कई अफसर और पुलिस की फौज। पप्पू यादव कोरोना काल में लॉकडाउन का उल्लंघन करके मदद के लिए लगातार शहर शहर घूमते रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन का ऐसा संगीन आरोप लगा कि पटना पुलिस ने पूर्व सांसद को हाथ से निकलने नहीं दिया। पुलिस को आज लगा कि लॉकडाउन के उल्लंघन पर पूर्व सांसद महोदय को कानून बताना चाहिए, सो सुबह सुबह ही उनकी गाड़ी में बिठाकर गांधी मैदान थाने का रास्ता दिखा दिया। सियासत से अलग पप्पू यादव की पहचान कोरोना काल में मददगार की, और थाने जाते जाते पप्पू गर्जे कि सेवा करेंगे, जो करना है कर लो। अब ये ना इनसे पूछे ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या किस जुर्म में आपको ले जाया जा रहा है, हमको क्या पता भैया, ये इनसे ना पूछिएगा। हटे आप लोग, बाहर जाने नहीं दे रहे थे। बाधा मत पहुँचाइए, लेन करने के बाद कही गई थी। लोगों को बचाने उसका ये प्रतिफल है। क्या ये वही पप्पू यादव हैं जो कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए खड़े रहे। जहां हर हाथ खड़े हो जाए वहां पप्पू यादव खड़े दिखे। रात या दिन पप्पू यादव ने हर संभव मदद की, लेकिन क्या करें, मदद के लिए बाहर निकलने के चक्कर में लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में धर लिए गए। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में एपिडेमिक एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त उन्हें पटना के गांधी मैदान थाने में रखा गया है, जहां पप्पू यादव के समर्थक भारी संख्या में जुटे हुए हैं और उनका आरोप है कि सरकार बदले की कार्रवाई के तहत पप्पू यादव को परेशान कर रही है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बीते कुछ दिनों से पप्पू यादव राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर में दर्जनों एम्बुलेंस बेवजह खड़ी रखने के आरोप लगाकर सुर्खियों में आए हुए थे। ये वही पप्पू यादव है जो बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस का खुलासा करके विवाद में घिर गए थे। लोग कोरोना से मर रहे थे और एम्बुलेंस ढकी छुपी जंग खा रही थी। पप्पू यादव ने धावा बोला तो सियासत गर्जी, रूड़ी और पप्पू भिड़ गए। एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल न रूड़ी जी का है न पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100-100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी इसको पटना में लगाते। इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि एम्बुलेंस यहां क्यों। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को यह कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। फिलहाल तो पप्पू यादव लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर कानून के सामने खड़े हैं। पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ फर्ज निभाया, पप्पू को आखिरकार धर दबोचा। अब लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर केस होगा, सजा होगी। इधर बिहार में कोरोना का हाल भी बुरा है। सरकार काश इतनी तेजी से कोरोना में भी कार्रवाई करती। उत्कर्ष सिंह, पटना, आज तक। पप्पू यादव को थाने लाया गया तो सियासत तेज हो गई। पप्पू यादव और जेडीयू बीजेपी में पहले से ही तनातनी है और इसी लेकर अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। सरकार लॉकडाउन तोड़ने के आड़ में जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उस आवाज को दबाना चाहती है, केस करती है, मुकदमा करती है, गिरफ्तारी करती है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने पिछले लॉकडाउन में जब जनता की मदद के लिए बाहर निकले थे
आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमा तेजस्वी यादव जी पर कर दिया गया था। ये हिटलर शाही और तानाशाही सरकार का नहीं चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। पप्पू यादव जी को इसी कमरे में जो बंद करके रखा गया है, उनको फंसाने नहीं, जान से मारने की साजिश है। कोविड का जो उनका जो रिपोर्ट है, अभी इन्होंने जांच कराया, निगेटिव है, लेकिन मुझे शंका है, डर है इस बात से कि यह जो बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार, ये कभी भी पप्पू यादव को पॉजिटिव बता करके और कोविड के बहाने ये मार सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्कर्ष में सहयोगी सीधे पटना से इस वक्त जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, जिस तरीके से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, लगभग 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है जब वो लोगों की मदद कर रहे थे, पहले भी प्रोटोकॉल कई बार टूटा होगा, तब तो गिरफ्तारी नहीं हुई, कहीं ना कहीं ये मामला एम्बुलेंस मामले से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नेहा, देखिए पप्पू यादव बिहार के वो नेता हैं कि बिहार में, पटना में खासतौर पर जब भी कोई क्राइसिस आती है तो पप्पू यादव वहां पर नजर आते हैं, चाहे वो बाढ़ की स्थिति हो, जब पटना डूबा तब के हालात हो, पिछले साल जब कोरोना आया तब भी पप्पू यादव नजर आ रहे थे, और इधर बीते 1.5 महीने पहले वो खुद उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद वो खराब तबीयत के बीच में भी लोगों के बीच जाते रहे और मदद करते रहे। जहां तक सवाल है कि क्या जो एम्बुलेंस विवाद हुआ उससे ये मामला जुड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं और खासतौर पर पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो तो ये आरोप लगा ही रहे हैं कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। आप बिहार पुलिस की व्यवस्था और कार्यशैली को अगर देखें तो सुबह तकरीबन 9:30 बजे के करीब पप्पू यादव को हिरासत में लिया गया था और अभी 1:30 बज रहे हैं, 4 घंटे बाद भी पुलिस की ओर से ना तो कोई प्रेस रिलीज जारी की गई है, ना ही ये बताया गया है कि किस थाने में FIR हुई है। हालांकि पप्पू यादव को गांधी मैदान थाने में रखा गया है, लेकिन FIR किस थाने में हुई है, किन किन धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है, कोई जानकारी बीते 4 घंटे में अभी तक पुलिस की ओर से साझा नहीं की गई है। इतना जरूर कहा गया है कि लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में एपिडेमिक एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी जो हमारे सहयोगी पीरबहोर थाने से आए हैं, चूंकि आज पप्पू यादव के घर पर कई सारे थानों की पुलिस पहुंची थी जिसमें से एक पीरबहोर थाने की भी पुलिस थी, और अभी ये जानकारी आ रही है कि पीरबहोर थाने में अब से कुछ देर पहले पप्पू यादव के ऊपर FIR हुई है। लेकिन ये इतने सारे थानों की पुलिस क्यों पहुंची और बिना FIR पप्पू यादव को क्यों उठाया गया 4 घंटे पहले, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को देने होंगे, लेकिन अभी तक पुलिस कुछ बोल नहीं रही है। दरअसल पप्पू यादव आज सुबह ही PMCH गए थे, बीते कई दिनों से वो अलग अलग अस्पतालों में जा रहे हैं और आज सुबह भी पहले सुबह वो PMCH गए और जैसे ही वो PMCH से अपने घर लौटे कई थानों की पुलिस DSP के साथ उनके घर गई, उन्हें हाउस अरेस्ट करने की बात कही और उसके बाद गांधी मैदान थाने लेकर आई है। फिलहाल उन्हें थाने में रखा गया है, लेकिन क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा या जमानत पर उन्हें रिहा किया जाएगा, इस पर पुलिस अभी कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रही। और जहां तक लॉकडाउन के उल्लंघन की जानकारी के लिए आपका, तेजी से वहां पर घटनाक्रम बदल रहा है पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर, वहां पर उनके समर्थकों में गुस्सा भी है क्योंकि लगातार पप्पू यादव सामने आकर मदद भी कर रहे थे लोगों की। लेकिन बिहार के बक्सर का ही और मामला है, जहां पर बक्सर के पास की गंगा नदी में बहते शवों को लेकर तनातनी तेज हो चुकी है। कोरोना काल में शवों को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये शव कोरोना से मौत के बाद के हैं, क्या ये शव कहां से आ रहे हैं, इस पर कोई स्पष्टीकरण प्रशासन और शासन की तरफ से मिल सका है या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सरकारी पन्नों में कैद कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाती तस्वीर गंगा के किनारे से आई है। क्या गंगा में बहती आम लोगों के शवों की बढ़ती गिनती इस बात की तरफ इशारा करती है कि सरकारी फाइलों में मौत के आंकड़े सच्चे नहीं है? ये शव किसके हैं, कहां के हैं, कहां से बहकर आए हैं? क्या नदी किनारे फैले ये शव गांवों में फैलती कोरोना की लहर की एक अशुभ सूचना का अंदेशा जताते हैं? क्या शमशान घाटों पर अंतिम क्रिया की लाइनें इतनी लंबी हो चुकी हैं कि लोग अपनों को कोरोना से खोकर उनके शव गंगा में यूं बहा दे रहे हैं? इन सारे सवालों की जड़ में है ये तस्वीरें। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है, क्योंकि बिहार में बक्सर के चौसा पास के करीब गंगा के किनारे घाट पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे शव बहते नजर आए हैं, और इन्हीं शवों की गिनती और शव किसके हैं
कहां से आ रहे हैं, सब सवालों पर स्थानीय लोग और प्रशासन की जुबान पर अलग अलग बयान है। पहले एसडीओ को सुनते हैं। इधर गंगा जी में दिख रही हैं 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं, उनको हम लोग दफन करवाएंगे। लेकिन बक्सर में गंगा किनारे बहते मिले इन्हीं शवों पर यहीं के बीडीओ अशोक कुमार, उनके आंकड़े कुछ और कहते हैं। यहाँ लाशें बह के आ रही हैं। कहाँ से बह के आ रही हैं? तैरती हुई लाशें कहीं दूर से आ रही हैं, जैसे देखने में आ रहा है कि गंगा जी के किनारे हर 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पे लाशें लगी हुई हैं। क्योंकि श्मशान घाट की ये लाशें नहीं, यहाँ पे करीब 40 से 50 लाशें आके लगी हुई। जब हम इसकी पड़ताल करते हैं तो यहाँ के घाट के किनारे स्थानीय जनता तक पहुँचते हैं और कहानी नए दावों के साथ पलटती नजर आती है। जब से मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, कभी 30-35 लाशें आ चुकी, कोई जल प्रवाह कर दिया, कोई जला दिया। कितने लाशें हैं सब मिलाकर? अरे मैंने जो पानी में खड़ा है वो कम से 100-150 लाशें हैं। वो 150 लाशें हैं? हाँ संक्रमित लाशें हैं वो। अब एसडीओ का आंकड़ा सच्चा है, वीडियो का आंकड़ा सच्चा है या फिर स्थानीय लोग, सवाल उठता है कि शव कहाँ के हैं। बक्सर का प्रशासन इसके लिए अपनी दलील में इन्हें उत्तर प्रदेश के लोगों का शव बताता है। बक्सर का जो है बॉडी जो है वो बक्सर का नहीं है, वो प्रवाह होके आ रहा है और जो भी प्रथम दृष्टया जो हमारी टीम है, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें यह है कि लाश जो है वो 2-3 दिनों का है। और आप अगर नॉर्मल देखेंगे, कोई बॉडी अगर जहाँ डुबाया जाता है और प्रवाह में जो है उसी जगह वो ऊपर नहीं आएगा, इसका लाश तो कहीं ना कहीं से आ ही रही है। अब वो अन्वेषण का विषय है कि वो बारे से आ रही है कि बनारस से आ रही है कि इलाहाबाद से आ रही है, क्योंकि ये लाशें जो दिख रही हैं लगता है कि ये 5-7 दिन से बहती हुई लाशें हैं, क्योंकि ये फूल गई हैं। इतनी जल्दी लाशें फूलती नहीं हैं और हमारे यहाँ लाश प्रवाहित करने का कोई परंपरा नहीं रही है। यूपी के प्रशासनिक अधिकारियों का बयान आना अभी बाकी है। सवाल ये कि क्या ये शव सरकारी फाइलों में दर्ज मौत के आंकड़ों में शामिल है, और चिंता की बात ये है कि अगर ऐसे ही नदी किनारे शव फैलते रहे तो क्या कोरोना का संक्रमण और बुरी तरह फैलेगा। पुष्पेंद्र पांडे, बक्सर आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे बक्सर से हमारे संवाददाता सुजीत झा इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुजीत, आपने वहां के प्रशासन से जुड़े अधिकारियों से बात की, उनका ये कहना है कि लाशें बहकर आई हैं, लाशों की कंडीशन उनकी स्थिति को देखकर ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन लोकल लोग तो कुछ और कह रहे हैं। संक्रमण के इस दौर में अब जब ये लाशें वहां पर आकर टिक गई हैं, इनके डिस्पोजल के लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है, या ये वहीं पर पड़ी रहने दी जाएंगी? देखिए नेहा, जहाँ तक डिस्पोजल की बात है, उसको डिस्पोजल कर दिया गया है। मिट्टी में उन शवों को दबा दिया गया है। फिलहाल तो जेसीबी मशीन रखी हुई है और हम मौजूद हैं वहीं पर। अभी आज का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है। आज भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जो भी लाशें आ रही हैं उनका अंतिम संस्कार जला कर किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमने कई लोगों से, यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत की, न सिर्फ बिहार, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है, इधर बिहार है और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है। तो दोनों क्षेत्रों में के गांव में ये परंपरा शुरू से रही है कि कई लोग जो है अपने अपने परिजनों का जो मृत शरीर होता है उसको गंगा में प्रवाहित कर देते हैं और उनका मानना है इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीव जंतु जो जल में रहते हैं उनके काम आ जाता है ये शरीर। ये सैकड़ों वर्षों से पुरानी परंपरा है, लेकिन समय बदलने के साथ इसमें बदलाव नहीं आ पाया है, क्योंकि जिस तरीके से गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए योजनाएं चलाई जाती है, तमाम जो उपकरण किए जाते हैं, लेकिन इन लोगों को जागरूक नहीं किया गया। खासतौर पर गंगा के किनारे रहने वाले, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों चाहे वो बिहार के लोग हों, तो ये परंपरा जरूर रही है जलाने की। आज प्रशासन ने की नींद खुली है, आज पुलिस बल तैनात कर दिया गया है वहां पर और जितनी भी लाशें आ रही हैं वो सारी की सारी जलाई जा रही है। और केवल बक्सर में ही नहीं, गंगा के किनारे आप यहाँ से भागलपुर चले जाएं तो तमाम जगहों पर इस तरह के दृष्टांत नजर आते हैं कि शव को गंगा नदी में डाल दिया जाता है।
क्योंकि अंतिम संस्कार का कोई की कोई व्यवस्था इस तरह से सरकारी स्तर पर नहीं एक है। एक बार सुजीत अगर आप अपने पीछे की तस्वीर दिखा सकें, किस तरीके से अब अंतिम क्रिया अंतिम संस्कार किया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है या स्थानीय लोग ये कर रहे हैं? नहीं, देखिए जो जलाने की जो प्रक्रिया है उसमें स्थानीय लोग ही अपनी लकड़ियां लेके आते हैं या उपले जो होते हैं जो गोबर का बना होता है उनसे जलाया जाता है, बल्कि प्रशासन ये देख रेख जरूर कर रहा है कि कोई व्यक्ति मृत शरीर को गंगा नदी में प्रवाहित ना करे, इसकी जरूर वो हो रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोग मर रहे हैं इस संक्रमण काल में और जितनी भारी संख्या में लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लकड़ियों की कमी है, लकड़ियों की महंगाई बढ़ गई है, गरीबों के लिए जो अंतिम संस्कार करना भी काफ़ी मुश्किल का काम होता जा रहा है। हालांकि पटना जैसे जगहों पर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर सरकार ने दावा किया है कि हम निशुल्क अंतिम संस्कार करवाएंगे, वहाँ विद्युत सौदाह गृह भी हैं, भागलपुर में है, लेकिन बक्सर जैसे जगह पर या जो छोटे मोटे इलाके हैं जहाँ से गंगा गुजरती है उन जगहों पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को खुद लकड़ियाँ लेके आनी है और अपने जो मृत शरीर है जिनके परिजनों के उनको जलाने की प्रक्रिया करनी होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति काफ़ी भयावह है, क्योंकि संक्रमण जो है कोरोना का वो गांव में भी फैल चुका है और लोग मर रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि वो आखिर किस लिए, क्योंकि टेस्ट हुआ नहीं है कि कोरोना है कि किसी और वजह से वो उनकी मृत्यु हो रही है। लेकिन जितना इतना निश्चिंत है कि निश्चित समझिए कि इधर मौतों का सिलसिला काफी बढ़ गया है और लोग काफी संख्या में मर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।